पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। नवांशहर जिले के चुहाड़पुर में शुक्रवार दोपहर MiG-29 क्रैश हो गया। पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले ही अपनी जान बचा ली। पायलट M.K. पांडे की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। MiG-29 के क्रैश होने की खबर पाकर आसपास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वायुसेना को पूरे हादसे के बारे में फिलहाल जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के अधिकारी भी अब घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करीब दोपहर 11 बजे आसमान से आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दिया। लोग खेत की ओर भागे और देखा कि वहां एक विमान गिरा हुआ है और उसमें विस्फोट हो रहा है। विस्फोट के कारण खेत में आग भी लग गई। आनन फानन में प्रशासन को जानकारी दी गई। आपको बता दें कि MiG-29 विमान फ्लाइंग कॉफिन के नाम से बदनाम है। इस विमान के कई बार क्रैश होने की खबरें आ चुकी हैं। न्यूज डेस्क।